आज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसी नोट पे स्टार्ट करूंगा कि यार जो सपोर्ट पिछले साल क्लास 11 से मिला होपफुली वही सपोर्ट इस साल भी क्लास 11 से मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस जो आपके पास आएंगे आप उनमें से बहुत आराम से हर चीज़ रिवाइज करो, क्योंकि जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको स्मॉल वीडियोस में बड़ा कंटेंट मिले और आपके सारे बेसिक्स क्लियर अप हो जाएं। मेजरली आप एनसीईआरटी से पढ़ें, एनसीईआरटी अपने पास रखो, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करो, पूरी एनसीईआरटी रीड करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको वीडियोस से मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स आपको वीडियोस से मिल जाएंगे। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, जल्दी से फॉलो कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिजनेस स्टडीज के साथ चलो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। फिर सबसे पहला हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं बिजनेस स्टडीज में है क्या। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस के साथ। बिजनेस आप सबने सुना है, आप सबके आसपास बिजनेस होता है, बट आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता अभी तक कि बिजनेस है क्या, बिजनेस क्या है, किस तरीके से करते हैं, कौन करता है, वो सब हमें अब सीखना है। देखो हर किसी के आसपास में बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल हैं, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर डिफाइन करना हो तो किस तरीके से करा गया है। सबसे पहले बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है कि लोग रेगुलर बेसिस पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका जीने का साधन है। इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली, बहुत जरूरी है बेटा रेगुलरली याद रखना है, रेगुलरली एंगेज यानी कि कहीं ना कहीं लगे हुए हैं इन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज में। रिलेटिंग टू कैसी एक्टिविटीज, परचेज खरीदना, प्रोडक्शन सामान को मैन्युफैक्चर करना और फिर सेल करना, किस चीज को, गुड्स और सर्विसेज को, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मकसद क्या है, पैसा कमाना। देखो तीन चार चीजें यहां से निकल के आ रही हैं। पहली बात ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली काम करेंगे, यानी कि एक ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं कहलाएगी। सपोज मेरे पास कोई शूज और मैंने OLX पे बेच दिए, एक बात खत्म, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, एक ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं होगा, आपको रेगुलरली वो काम करना पड़ेगा, रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू क्या काम करना होगा। अब देखो दो काम है ना, अगर बिजनेस में मैं सामान बेच रहा हूं तो या तो मैं उसको खुद बनाऊं या फिर मैं परचेज करूं, तो इधर परचेज और प्रोडक्शन एंड देन सेल, किस चीज का, गुड्स या फिर सर्विसेज का, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं होगा। आगे चलें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज के या बिजनेस के, कि किस तरीके की एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगे। सबसे पहला इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मैंने अभी कहा आपको कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, यानी कि सर्विस मोटिव अगर होता है, समाज सेवा अगर होता है तो बिजनेस नहीं होता, इसके लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। तो सबसे पहले कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। आगे चलते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, अगर आपको सामान बेचना है तो या तो आप उसको खुद बनाओ या फिर आप कहीं से खरीद के लाओ फिर बेचो। थर्ड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, तो क्या करोगे, उसको घर में तो नहीं रखोगे, बेचोगे ना, तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नंबर फोर अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार रेगुलरली वो काम होना पड़ेगा। इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नाउ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब बिजनेस में आपको नहीं पता कि क्या रिटर्न आए, ज्यादा आए, कम आए, आज कितने कस्टमर आने वाले हैं, एक भी आएगा या नहीं आएगा, या पूरे दिन टाइम ही नहीं लगेगा, तो रिटर्न इज अनसर्टेन बिजनेस में। तो ये था गाइस बिजनेस की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारा ह्यूमन बींग, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक क्या और नॉन इकोनॉमिक क्या, देखो अभी डिस्कस करा वो एक्टिविटीज जिसका मेन मकसद पैसा कमाना है, द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट्स, ऐसी एक्टिविटीज को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इनसे हम अपनी लाइफ चलाएंगे, हम अपनी जिंदगी चलाएंगे, पैसा कमाएंगे तो ही जिंदगी आगे चलेगी।
नॉन इकोनॉमिक क्या है? वो एक्टिविटीज जो हमने किसी सिंपथी में, लव में, अफेक्शन में करा गया, ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इकोनॉमिक। यानी इसके अंदर मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसके अंदर मकसद साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। सपोज मेरा बेकरी शॉप है और मैं वाटर बॉटल सेल करता हूँ बिस्लरी की, तो बॉटल बेचता हूँ पैसा कमाता हूँ, बॉटल बेचता हूँ पैसा कमाता हूँ, ये बन जाती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बेचारा बहुत गरीब प्यासा इंसान आ गया, मैंने उसको एक बॉटल वैसे ही खोल के पानी पिला दिया, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मुझे अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ यार आज कुछ बढ़िया काम करा, उसके मैंने पैसे नहीं लिए, तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? नॉन इकोनॉमिक। अब फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई, क्या है इसका जो डिफाइन है वो एनसीईआरटी में 8-9 पॉइंट्स में करा गया है, वो 8-9 पॉइंट्स ये हैं, आप कोई भी 6 याद कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। अब देखिए मेरे नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बट एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें। ये सभी नोट्स साथ साथ उतारने हैं तो उतार लो, नहीं उतारना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सब कुछ अवेलेबल है। क्या है सबसे पहला? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी किस तरीके से शुरू करा जाएगा बिजनेस, किस तरीके से शुरू करा जाएगा प्रोफेशन, किस तरीके से शुरू करा जाएगा एम्प्लॉयमेंट। अब पहले तो इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या होगा, अभी पढ़ के आए, ये सब बिजनेस है। कोई भी शॉप जहाँ पे प्रोडक्शन, परचेज, सेल हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का और मकसद है पैसा कमाना, वो बिजनेस है। प्रोफेशन क्या होगा? देखो प्रोफेशनल्स गुड्स में डील नहीं करते, प्रोफेशनल सिर्फ किस में डील करते हैं? सर्विसेज में, जैसे कि लॉयर्स, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे कि टीचर्स। ये सब, टीचर कोई गुड्स नहीं बेच रहा, लॉयर कोई गुड्स नहीं बेच रहा, इंजीनियर कोई गुड्स नहीं, डॉक्टर कोई गुड्स नहीं, सब सर्विसेज में डील कर रहे हैं, है बिजनेस क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज हैं तो उसके अलग कैटेगरी बनाई गई, क्या बोला गया? प्रोफेशन। यानी ये लोग कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं जो हर इंसान प्रोवाइड नहीं कर सकता, दैट इज प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? हम लोग अपना काम नहीं करते, किसी और के अंडर जॉब करते हैं, कहीं और किसी और का काम करते हैं जिसके बदले में हमें सैलरी या वेजेस मिलती हैं, ऐसी जॉब को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको तीनों के मीनिंग क्लियर है। अब देखो जो डिफाइन करा गया ये एनसीईआरटी में जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस ये सब हैं। सबसे पहला क्या? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कब शुरू होगा। आपको क्या लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए कोई क्राइटेरिया है कि कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा तो ही बिजनेस होगा? बिल्कुल नहीं, जब आपका मन करे तब बिजनेस शुरू करो। अगर आप 10 साल के हो, आपको लगता है बिजनेस कर सकता हूं तो करो, किसने रोका है? कुछ नहीं है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑल तो वो पूरा करना है, बिजनेस शुरू हो सकता है। प्रोफेशन, प्रोफेशनल बनना आसान है क्या? क्या कोई भी प्रोफेशनल बन सकता है? नहीं। इसके लिए आपको एक अच्छा सा क्या चाहिए? डिग्री चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और डिग्री किसकी? किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज, जहां से डिग्री मिलेगी तब आप प्रोफेशनल कहलाओगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट कब शुरू हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट वो हो जाएगा जब आपको सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा, आप किसी के यहाँ सर्विस कर सकते हो, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। आगे चलें, नेक्स्ट है गाइज नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या होगा, किस चीज का काम होगा, अभी पढ़ के आए गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज जो हर कोई नहीं देगा, टीचर हर कोई नहीं हो सकता, डॉक्टर हर कोई नहीं हो सकता, उनकी सर्विसेज, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, टीचर का काम टीचर ही करेगा। एम्प्लॉयमेंट कब हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हो तो वहाँ पे काम अलग होगा, किसी शॉप पे एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे काम अलग होगा, तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? हमने अभी डिस्कस करा, बिल्कुल नहीं, जब मन करे तब। प्रोफेशन में हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। एम्प्लॉयमेंट में फिर वही बात है, डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है, किस तरीके की एरिया में आप काम कर रहे हो, वहां पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। रिटर्न बताइए जल्दी से, रिटर्न रिवॉर्ड एक ही बात है बेटा, बदले में मुझे क्या मिलता है? रिटर्न और रिवॉर्ड ये एक ही पॉइंट है। बिजनेस के बदले में क्या मिलता है? बिजनेस के बदले में मिलता है प्रॉफिट्स। प्रोफेशन के बदले में क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस। एम्प्लॉयमेंट के बदले में क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। तो ये रिटर्न और रिवॉर्ड तो एक ही पॉइंट है, इसको एक साथ ही करना है। नेक्स्ट रिस्क, अब किस में रिस्क है? बिजनेस हमने अभी पढ़ा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, नहीं पता क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा होगा हमें नहीं पता, हाई डिग्री ऑफ रिस्क। प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क है,
बहुत ज़्यादा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, हम जॉब करते हैं, सामने वाले का एम्प्लॉयर का बिजनेस चले ना चले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सैलरी वेजेस टाइम से मिल जाएंगी। इसके बाद सर कोड ऑफ कंडक्ट, क्या बिजनेस के कोई वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? अभी तक तो नहीं है, तो फिर कोई कोड ऑफ कंडक्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। प्रोफेशन हाई कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनलिज्म में मेन चीज़ यही है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको बहुत स्ट्रिक्टली सारा काम पूरा करना होगा। और एम्प्लॉयमेंट में फिर वही बात डिपेंड करेगा कि आप कहाँ काम करते हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद एग्जाम्पल्स ले लो, एग्जाम्पल्स में क्या बिजनेस कैसा, कोई भी शॉप, बेकरी शॉप, किसी भी तरीके की दुकान बिजनेस में आ जाएगी। प्रोफेशनल्स में आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। एम्प्लॉयमेंट फिर वही कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जैसे कि जॉब इन बैंक्स या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, ये सब एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो, पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर वन। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रिपेयर करो, आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सबके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।